ही एनिमल लवर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मॉन्स्टर एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड, सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर टेनमॉस लड़के का ऑपरेशन कर देते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट दूसरी तरफ मेयर का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता और उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर बॉयर और एक दूसरे डॉक्टर इसके लिए डॉक्टर टेनमा को ब्लेम करते हैं। वो मेयर की सर्जरी को छोड़कर उस लड़के का ऑपरेशन करने चला गया, जिसकी वजह से मेयर की डेथ हो गई, और सब सारा ब्लेम डॉक्टर टेनमा पे डालकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन होता है डॉक्टर टेनमा के घर का, और वो न्यूज़ देख रहे होते हैं मेयर की डेथ की। फिर उनको नींद आने लग जाती है और वो सोने लग जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि टीवी पे लिविट फैमिली की न्यूज़ चल रही होती है, और ये सुनकर डॉक्टर टेनमा उठ जाते हैं। फिर वो उस लड़के के बारे में सोचने लग जाते हैं कि अब उसका क्या होगा। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डॉक्टर टेनमा बहुत खोए खोए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर बेकर आके फिर से हॉस्पिटल पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं, और बोलते हैं कोई बात नहीं, इतने डिप्रेस्ड मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में एक इन्वेस्टिगेटर आता है। वो उस लड़के की सिस्टर को क्वेश्चन करना चाहता था, पर नर्स बोलती है कि वो लड़की अपने रूम में नहीं है, वो कहीं चली गई है। और फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो अब भी यही बोल रही थी, मुझे मार दो, मुझे मार दो। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा हॉस्पिटल स्टाफ सेलिब्रेट कर रहा होता है अपनी अचीवमेंट्स के लिए, और डॉक्टर टेनमा भी वहाँ होते हैं। डायरेक्टर सिर्फ डॉक्टर बॉयर को ही अप्रिशिएट करते हैं मेयर के ऑपरेशन के लिए, और वो डॉक्टर टेनमा के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए कुछ भी नहीं बोलते। फिर डॉक्टर टेनमा डायरेक्टर से बात करने जाते हैं और सॉरी फील करते हैं कि कल जो भी हुआ, पर डायरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, जो तुम्हें सही लगा वो तुमने किया। ये सुनकर डॉक्टर टेनमा थोड़ा अच्छा फील करते हैं कि डायरेक्टर मेरे से गुस्सा नहीं है। पर जब स्पीच की टर्न आती है जो कि हेड को देनी होती है, वहाँ पे वो डॉक्टर बॉयर को बुलाते हैं, ना कि डॉक्टर टेनमा को जो कि हेड थे, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा किया था। वो बोलते हैं तुम हॉस्पिटल पे रहकर जो मर्जी कर सकते हो, बट अब तुम अपने ड्रीम्स और प्रमोशन के बारे में भूल जाओ, ना ही तुम किसी और हॉस्पिटल में भी अब अच्छी पोजीशंस पे जा सकते हो। ये सुनकर डॉक्टर टेनमा दुखी हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर डॉक्टर टेनमा ईवा से मिलते हैं, जो खुद डॉक्टर टेनमा की दी गई रिंग उतार कर फेंक देती है और बोलती है कि तुम स्टूपिड हो, और ऐसे बोलकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर टेनमा उस बॉय के पास होते हैं और उसे सब बताते हैं कि क्या हुआ अब तक मेरे साथ, कैसे सब ने मुझे सिर्फ यूज़ किया, मेरे टैलेंट को कभी नहीं परखा। वो बहुत गुस्सा करते हैं उन सब पर और ये बोल देते हैं कि ऐसे लालची लोगों को सिर्फ मर जाना ही अच्छा है। ये बोलकर वो चले जाते हैं, और हम देखते हैं उस लड़के को भी होश आ गया होता है। नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन कर रहा होता है उस लड़के की सिस्टर को, जिसका नाम था एना, और अब हम भी उस लड़की को एना ही बुलाएंगे, पर एना कुछ भी नहीं बोलती। फिर इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि शायद अगर हम इन दोनों ब्रदर सिस्टर को एक साथ ले आएं तो शायद ये कुछ बोल दे और इसकी मेमोरी वापस आ जाए और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर टेनमा इंचार्ज हैं और हमें नहीं लगता वो ऐसा कुछ अलाउ करेंगे, और दूसरी तरफ डॉक्टर बॉय और डायरेक्टर को बॉय के पास लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि हम इस ब्रदर सिस्टर को यूज़ कर सकते हैं मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए, और हमें फेम भी मिलेगा कि हम इन दोनों बच्चों की कितनी केयर कर रहे हैं। फिर डॉक्टर बॉयर बोलते हैं कि डॉक्टर टेनमा ऐसा हमें करने नहीं देंगे, पर क्योंकि वो डॉक्टर इन चार्ज हैं। तभी डायरेक्टर बोलते हैं कि अब नहीं है, तुम इनकी फ़ोटो लो और मीडिया को दे दो, और डायरेक्टर एक टॉफ़ी का पैकेट ओपन करता है जो कि गिफ्ट्स थे दोनों ट्विंस के लिए। वो टॉफ़ी खुद भी खाता है और डॉक्टर बॉयर और दूसरे डॉक्टर को भी देता है,
और हम देखते हैं कि डॉक्टर टेनमा दूसरे पेशेंट्स को देख रही होती हैं कि तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि एना की थी। और डॉक्टर टेनमा उन दोनों डॉक्टर्स पे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि मैं डॉक्टर इंचार्ज हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब डॉक्टर बॉयर बोलते हैं कि तुम अब नहीं हो। जब डॉक्टर टेनमा उनसे बहस कर रहे थे वो देखते हैं कि बॉय को होश आ गया था। तभी डॉक्टर बॉयर बोलते हैं कि जब उसने अपनी सिस्टर को देखा वो रोने लगा और उसे बुलाने लगा। मुझे अब लगता है कि ये ठीक है और हम जो चाहें इनके साथ वो कर सकते हैं, ऐसा बोलकर वो डॉक्टर टेनमा को बाहर निकाल देते हैं। फिर रात को स्ट्रेस की वजह से डॉक्टर टेनमा ड्रिंक करते हैं और वो उन सबको बुरा बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में जब ईवा अपने घर आती है वो अपने डैड को बुलाती है, पर जब वो उनके रूम में जाती है चेक करने के लिए तो वो देखती है कि मेरे डैड मरे पड़े हैं। और हॉस्पिटल में भी एक नर्स देखती है कि डॉक्टर बॉयर और एक दूसरे डॉक्टर भी मरे पड़े थे। पे ये एपिसोड एंड होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।